नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर आ गया आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा माता पार्वती की सबसे बड़ी वह गलती जिसकी वजह से पूरे संसार में अंधकार छा गया, सभी देवी देवता घबराने लगे और जिसकी वजह से माता पार्वती को कैलाश छोड़कर होना पड़ा महादेव से दूर। आखिर वह कौन सी भूल की थी माता पार्वती ने और हुआ एक भयंकर असुर का जन्म, उसके बाद सभी देवी देवता घबराने लगे और जिसकी वजह से माता पार्वती को कैलाश छोड़कर होना पड़ा महादेव से दूर। आखिर वह कौन सी भूल की थी माता पार्वती ने, आखिर ऐसा क्या हुआ था कि माता पार्वती को कैलाश छोड़ना पड़ा। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में इसी के बारे में बताऊंगा। तो पूरी जानकारी के लिए हमारे इस वीडियो को अंत तक देखें और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा अगला आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। माता पार्वती की गलती की वजह से जिस असुर का जन्म हुआ उस असुर का नाम था अंधक यानी अंधकासुर। अंधकासुर का जन्म भगवान शिव के नेत्र पार्वती द्वारा खेल में बंद किए जाने की वजह से हुआ था। जन्म के समय ही वह भयंकर और अंधा था, किंतु शिव पार्वती ने उसे अपनी संतान मान लिया। उसी समय दैत्यराज हिरण्याक्ष पुत्र की कामना से घोर तपस्या कर रहा था। उसके तप से संतुष्ट हो भगवान शिव ने उसे दर्शन दिए, किंतु उसके भाग्य में पुत्र नहीं था। अपने भक्त की तपस्या का मान रखने के लिए भगवान शिव ने अंधक को हिरण्याक्ष को दे दिया और कहा इसे अपना पुत्र ही माने। अंधक को लेकर हिरण्याक्ष घर लौट आया और प्रेम से उसका पालन करने लगा, किंतु उसके भाई हिरण्याकश्यप के पुत्र सुहाद, आहाद और प्रहलाद अंधक को अपना भाई नहीं समझते थे और उपहास उड़ाया करते थे। वराह द्वारा हिरण्याक्ष का वध कर देने पर अंधक को भगा दिया गया। क्षुब्ध हो अंधक ने ब्रह्मा से वर प्राप्ति के लिए घोर तपस्या की। तप कर उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि मुझे नेत्र ज्योति मिले, अपने राज्य का सम्राट बनूं और अजर अमर हो जाऊं। ये दो वरदान देकर ब्रह्मा जी ने अमृत देने से मना करते हुए अपनी मृत्यु को एक निमित्त चुनने की बात कही। अंधक ने कहा जो भी मेरी माँ हो उसके प्रति कामाशक्त होने पर भगवान शिव के हाथों मुझे मोक्ष प्राप्त हो। ब्रह्मा जी से ये वरदान प्राप्त कर अंधक अपने पिता के राज्य का अधिपति बन गया और देवताओं पर चढ़ाई कर दी। तब विष्णु जी द्वारा प्रेरित किए जाने पर नारद जी ने उसके सम्मुख पार्वती के सौंदर्य का गुणगान कर दिया और उसे शिव से छीन लेने के लिए प्रेरित कर दिया। वासना में अंधा हो अंधक पार्वती जी का अपहरण करने पहुँच गया और वहाँ एक विकट युद्ध के बाद भगवान शिव ने उसे त्रिशूल पर टांग कर सूखने के लिए छोड़ दिया। तब अंधक ने बहुत सुंदर श्लोक में भगवान शिव की स्तुति की। इससे प्रसन्न हो भगवान शिव ने उसे मुक्ति प्रदान की और अपना गण बना लिया।